नमस्कार फ्रेंड्स, एक बुक है ये आचार प्रशांत की, सफलता। तो इसके बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो आचार प्रशांत जी की जो वेबसाइट है उससे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थोड़ी सी इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसके जो कॉन्टेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो है वो इसमें बुक के बारे में थोड़ा सा दिया गया हुआ है, और आचार्य प्रशांत जी की संक्षिप्त जीवनी यहाँ पे जो है वो लिखी गई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, 3-4 पेज तो स्टार्टिंग के वही है, और उसके बाद जो है वो अगर आप चैप्टर्स देखोगे तो चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं। और ये चैप्टर्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये जो वीडियोज़ आचार्य जी की जो उनके चैनल पर, मेन चैनल पर पब्लिश होती है, या फिर जो सत्र होती है, उस सत्र के सिलेक्टेड वीडियोस जो है वो सेग्रीगेट करके इससे बनाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ो, क्योंकि अगर आपके जो सक्सेस के डिफिनीशन जो आपने अभी तक बनाए होंगे, शायद वह चेंज होगी, और जो आपका काम करने का रवैया है वह भी बदलेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो पुराने ढर्रे होते हैं जो हम समाज में देखते हैं उनसे बहुत अलग रहती है। और जो नेम, फेम, पावर को अगर आप सिर्फ सफलता मानते हो, तो बियॉन्ड दैट भी कुछ हो सकती है सफलता। उसके बारे में जो है ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, और मैंने इसे पढ़ा है, और कुछ चैप्टर्स जो है वो अभी तक मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको पढ़ोगे तो थोड़ा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी बदलेगा। और कई बार हमें जो लगता है कि पढ़ाई हमने तो पढ़ी, लेकिन हमें अगर जॉब नहीं मिली तो हम असफल हो गए, तो वो बात भी सही नहीं लगती है। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद आपको, आपकी जो ये वाली बात होती है उसके बात में, बारे में भी जो है वो आपकी राय बदल जाएगी। एंड इसमें सिर्फ सफलता, जो सक्सेस हम जो वर्ल्ड में देखते हैं आम लोगों को, कि जिसे बोल रहे हैं, बियॉन्ड दैट भी कुछ हो सकता है डेफिनेशन। और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये बुक, क्योंकि आचार्य जी की जो वीडियोस हैं उसमें तो आपके पास कई बार हमें, मैं बुक्स क्यों प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो, जब आप वीडियोस देखते हो तो अगर आपका ध्यान नहीं है फिर भी वो वीडियो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बुक के साथ ये सहूलियत होती है कि आप रुक रुक के पढ़ रहे हो, मतलब कंपैरेटिवली आपका ध्यान बुक में ज़्यादा होता है, टाइमिंग बुक में ज़्यादा लगती है, लेकिन ध्यान भी बुक में ज़्यादा लगता है। मीन्स अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो बुक में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 5 मिनट बाद जो है वो दूसरा पन्ना पलट दोगे, लेकिन वीडियो में अगर आपका 5 मिनट के लिए ध्यान भटका तो फिर जो है वो उतना देर का सेगमेंट तो स्किप होके आगे चला गया। लेकिन बुक में ऐसा नहीं है, बुक में जब तक आप नहीं आओगे ऊपर से नीचे तक, तब तक वो जो है वो समय भले ही बीत जाए लेकिन ऊपर से नीचे तक वो नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए बुक के साथ ये सहूलियत होती है, और रुक कर आपके पास सोचने का मौका भी होता है। वीडियो में जो है वो बार बार पॉज करने का, आप वीडियो में भी आप सोच सकते हो, लेकिन वीडियो में क्या है कि आप जो है वो सोचोगे कि कौन बार बार पॉज करे, चलने दो, चल रहा है, तो इस तरह की भावना भी आती है। इसलिए बुक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो उस पर्पज़ से भी जो है वो ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके हो सकता है कि कोई रिलेटिव में स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई अभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो बहुत मेहनत करते हो कि मुझे तो सक्सेसफुल होना है जीवन में, तो उनके लिए भी ये बुक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप प्लीज़ इस बुक को बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे तो बुक की प्राइसिंग जो है वो 450 के अराउंड लिखी गई हुई है, लेकिन मीन्स आपको 150 के अराउंड आपको मिल जाती है, या फिर उससे भी कम जो है वो। और इसकी जो ई बुक है वो भी आप जो है वो ले सकते हो, वो भी आचार प्रशांत ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम ये सभी डाल के OTP आएगा, आप बना लोगे, और उसके बाद जो है वो फिर बुक आप ऑर्डर कर सकते हो आचार प्रशांत वेबसाइट पर जाके। ये बुक ऐप से ऑर्डर नहीं होती है, ये वेबसाइट से ही होती है। तो वेबसाइट पर आपको जाना है, वेबसाइट पर लॉगिन करनी है, अपना एड्रेस फिल करना है, और पेमेंट करनी है, और आपका हो गया। पेमेंट पहले करना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रख ले, पेमेंट पहले करना पड़ता है, और फिर जो है वो ट्रैकिंग आईडी 24 आवर्स के बाद जनरेट होती है, एट इंस्टेंट ट्रैकिंग आईडी जनरेट नहीं होती है। तो पहले आपको जो है वो बुक ऑर्डर करना है, फिर 1 से 2 दिन के अंदर ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाती है, और ट्रैकिंग आईडी से जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका बुक कहाँ पे अभी है। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी भी होती है तो संस्था के जो
वेबसाइट्स हैं या फिर ईमेल है उस पर भी आप जो है वो कॉल करके या फिर मेल करके बात कर सकते हो। तो मैंने तो जब जब बुक मंगाई है मुझे कोई भी इशू नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको कोई इशू होती है तो आप संस्था के लोगों को कॉल कर देना, वो आपको हेल्प कर देंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये जो जानकारी होगी वो अच्छी लगी होगी, एंड आपको कैसी लगती है आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आचार्य जी की जो गीता सत्र है उसमें भी अगर आप भाग नहीं लिए हो तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।